जय श्री कृष्ण एवरी वन बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स स्टोरी नेम इज़ हु एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर एट एंड वॉन्ट टू मोर रिलीव पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्ट द वीडियो सो सुलेट स्टार्टेड सिया माया और राघव को एक दूसरे के इतना पास देकर हेयरन हो गए उसने कुछ कहा नहीं माया राघव से डर हो गई सिया कुछ गलत मत समझना मैं बस स्वागत की मदद कर रही थी उसके शर्ट के बटन लगाने में माया ने कहा मैं जानती हूँ हुकुमसा सा सिर्फ़ आपका अपना दोस्त मानता है और कुछ नहीं सिया ने कहा सिया के बात सुनकर माया ईर्ष्या से जलबुन उसे बहुत गुस्सा आया था लेकिन उसने दिखाया नहीं सिया ने राघव की तरफ देखा हुकुम सा आप नीचे खाना खाएंगे कि मैं यहाँ आपको लगवा दूं सिया ने पूछा हाँ चांदनी से कहो कि मेरा और अपना खाना यहीं ले आए राघव ने कहा ठीक है सिया ने कहा सिया नीचे आई और चांदनी से खाना कमरे में भेजा को कहा वाह वापस आ गई राघव ने सिया को पीछे से गले लगा लिया हुकुम सा ने कहा शश सिया राघव ने कहा उसने अपने बाएं हाथ से सिया के बालों को उसके कांधे से हटाया और उसके कांधे को चूमा सिया ने आंखें बंद कर ली जब किसी ने दरवाजा खटखटाया सिया ने राघव को धक्का दिया और दरवाजा खोलने चली गई वहाँ एक नौकर खाना लेकर खड़ा था हुकुमरानी सा कहा रखू इसे नौकर से पूछा मेज पर राघव ने उत्तर दिया जी हमें नौकर ने कहा और खाना मेज पर रख दिया राघव और सिया बैठ गए सिया ने राघव को खाना खिलाया और फिर खाना खाया राना वहाँ आए खम्मा घानी हुकुमासा राना ने कहा क्या हुआ राना राघव से पूछा हुकुमसा मिस्टर कौशिक से मिलना है राना ने कहा राना जी आप जानते हैं कि हुकुमसा ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि वाह बैठकों में भाग ले सिया ने कहा मैं हुक्म को जानती हूँ लेकिन यह महत्वपूर्ण है राना ने कहा तो उन्हें स्थिर कर दो हुकुमासा तब तक इस हवेली को नहीं छोड़ेगा जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता ले लो सिया ने कहा ठीक है राणा ने कहा वही पुरानी तरफ पाखी कर चलाकर रघुवंशी हवेली की तरफ जा रही थी और अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर आ गए थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बुरे इस्तेमाल ऐसा लगा जैसा उसका कोई पिछा कर रहा है उसने रिव्यू मैं देखा तो एक काली गाड़ी उसकी तस्वीर कर रही थी ये कौन हो सकता है पाखी ने कहा पाखी ने एक्सीलरेटर पे दबाया और फुल स्पीड में गाड़ी वहां से भगाने लगी गाड़ी की स्पीड बढ़ती देख गाड़ी के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली पाखी को बहुत डर लग रहा था इसे डर की वजह से उसने एक गलत मोड़ ले लिया जिसे वह सीधा खाई की तरफ जा रही थी जब पाखी नहीं है नोटिस किया कि वह कहे की तरफ जा रही है उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक फेल थी हे राम लगता है आज मैं डायरेक्ट आपके पास ही आऊंगी पाखी ने कहा पाखी को कुछ सोच लिया था कि वाह अब क्या करे उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और कर से कूद गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी वह जाकर खाई में लटके एक पेड़ से लटक गई गाड़ी नीचे खाई में जगह ब्लास्ट हो गई पाखी चिल्ला रही थी कोई है बचाओ पाखी में कहा तभी उसने एक गाड़ी के बाहर उठने की आवाज़ दी उसे लगा वह काली गाड़ी ही वहां रुकी है जो उसका पिचा कर रही थी तभी एक हाथ उसकी तरफ़ बड़ा पाखी ने वाह हाथ देखा रुको क्या कर रहे हो पेड़ के टूटने का जल्दी हाथ पकड़ो आवाज बोली पाखी आगा को वह आवाज उसकी मदद करने के लिए है पाखी ने वह हाथ पकड़ा और उसे आदमी ने जल्दी से ऊपर खींच लिया ऊपर मैंने तो देखा कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अक्षत था पाखी ने उसे धक्का दिया तुम भेजो मेरा पिछा कर रहे थे तुम्हें पता तुम्हारी वजह मैं खाई में गिरते गिरते बची हूँ कहा पाखी ने उसे तरफ देखा जहाँ अक्षत इशारा कर रहा था वहाँ पर कुछ लोग बेहोश पड़े थे यह हालत इनकी तुमने की है पाखी ने पूछा अक्षत अपना कोट झड़ता हुआ खड़ा हुआ हाँ मैं नहीं किया तुम्हें और क्या दिख रहा है क्या अब चलो गाड़ी में बैठो भाभी कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अक्षत ने कहा पाखी खड़ी हुई अक्षत ने पाखी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और पाक के अंदर बैठ गई दरवाजा बंद करने के बाद अक्षर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वाहन से ले गया वीरेंद्र की हरकतें बढ़ती जा रही हैं राघव को मार नहीं पाया तो पाखी पर हमला कर रहा है इसकी तो मैं अक्षत ने मन में कहा अक्षत और पाखी जल्दी से रघुवंशी हवेली पहुंचे पाखी ने सारे गिफ्ट उठाए और जल्दी से अंदर चली गई सिया सोफे पर बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी सिया, सिया पाखी ने कहा पाखी जागीर सिया के साथ बैठ गई सिया ने उसकी तरफ देखा क्या हुआ सिया ने पूछा देख मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ तेरे लिए मेरे लिए चांदनी के लिए सबके लिए लेकर आती हूँ मैं पाखी ने कहा दो तीन बैग उठाओ और जल्दी से सिया को दिए चांदनी जल्दी आओ पाखी ने कहा चांदनी अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आई अरे क्या हुआ चांदनी ने पूछा ले तेरी लिए पाखी ने कहा और चांदनी को उसके बैग पकड़ा दिए धन्यवाद चांदनी ने कहा चांदनी ने पाखी को एक कसकर गले लगाया दिया पाखी ने भी उसको एक गले लगा लिया दोनों को देख मुस्कुरा रही थी अक्षत राणा के पास आया राणा मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र नहीं राघव पर हमला किया था और आज सुबह पाखी पर भी अक्षत ने कहा वीरेंद्र खाना पक्का कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसी हरकत करता रहेगा राणा ने कहा हां सही कह रहे हो तुम अक्षत ने कहा राणा ने चांदनी की या देखा जो बहुत खुश दिख रही थी प्यारा राणा ने कहा चंदानी ने उसे या देखा राणा पलट गया और से चला गया पता नहीं आप अपने प्यार का इजहार कब करेंगे रानाजी में तो इसका इंतजार कर रहा हूँ चांदनी ने मन में कहा आई होप दिस वीडियो प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंस फॉर मोर प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट बाय बाय फ्रेंड्स